right, let's get the latest in Patiala clash. The Punjab police have arrested six accused so far, including the main accused from Mohali airport in the clash that took place on Friday afternoon. One of them was booked on charges of spreading hate speech on social media. According to the police, 20 teams were constituted for investigation. Remember, two rival groups clashed outside a temple on April 29th, brandishing swords and pelting stones at each other at a rally in which four people, including two policemen, were injured. Hari Singla, ki Khalistan Murdabad rally nikalenge, to inhone kaha ki hum usko rokenge. The permissions were denied to both of them by district administration. And they were hell-bent, adamant that we'll take out the procession. Sir, एक वीडियो आपने देखा, देश के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है कि लोग प्रो खालिस्तानी स्लोगन रेज कहते हैं. तीन आरोपी आपने अरेस्ट कर लिए हैं, बट लार्जर कॉन्स्पिरेसी के कैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे सर? हालांकि अभी शुरुआती जांच है, बहुत ज़्यादा पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कैसे आप इसको प्रोस्यू करेंगे? यू सी विद द अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एंड विल एग्जामिन द कॉल डिटेल्स. फ़ोन का एग्जामिनेशन होगा, उसके कॉन्टैक्ट से बात होगी, उसकी पर्सनल इंटरोगेशन से. तो पुलिस इज कॉम्पिटेंट टू टेक आउट ऑल दिस थिंग्स. फॉरेन एलिमेंट्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, एक फेक आइडियोलॉजी का, खालिस्तान मूवमेंट को जिसको कहते हैं. पन्नू वहाँ पे बैठा है, यहाँ पे भी लोग हैं, उनसे कैसे डील करेगी पंजाब पुलिस? यू सी, वी कन्विंस द पब्लिक कि एनी फॉरेन वीडियो या पोस्ट है दैट शुड नॉट बी अलाउड बाई द सोशल फैब्रिक सोसाइटी ऑफ द कंट्री और स्टेट, कि लोग उसको रिएक्ट करके अपना माहौल ख़राब करके बैठ जाएँ. जी, दे शुड अंडरस्टैंड कि ऐसी पोस्ट से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कुछ ही देर में परवाना को पटियाला की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा और पुलिस एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके पुलिस रिमांड कोर्ट से लेगी. अगर पुलिस को पुलिस रिमांड मिल जाती है तो हरीश सिंगला की एक तरफ तो पूछताछ हो ही रही है, जो दो दिन की पुलिस हिरासत में है, परवाना की भी पूछताछ होगी. इसके अलावा हो सकता है कि आरोपी सच बोले, झूठ बोले, उसको लेकर के एक टेक्निकल टीम बनाई गई है. तकरीबन 20 टीमें संगठित की गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा, जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी. जितने आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है, इनकी सेल्टार लोकेशन ट्रेस की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए देखा जाएगा कि क्या इनकी उपस्थिति वहां थी. उसके अलावा इनकी जो सीडिया एनालिसिस है, सेल फोन का जो फोन आया नहीं आया, किसका आया, और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए जिनका जिनका मोबाइल फोन सीज होगा, उसके भी एनालिसिस के लिए उसको टेक्निकल लैब में भेजा जाएगा और देखने की कोशिश होगी कि ये लोग पिछले कुछ दिनों में किन किन इंटरनेशनल कॉल्स को अटेंड कर चुके हैं.